नमस्कार हजारी डांस में आप सभी का स्वागत है। YouTube पर जाकर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह से होंगे। ये योगी का उदाहरण खटोलना है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ झांसी आ चुके हैं। हम बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दौरे पर झांसी आ चुके हैं। झांसी में दस्तक दे दी है। वहीं हम बता दें आज की रात झांसी में रहेंगे तो वहीं कल लगभग 3 घंटे ललितपुर में रहेंगे योगी आदित्यनाथ। तो वहीं चुनाव के बाद ये कहीं ना कहीं पहली बार योगी आदित्यनाथ, हम बता दें, जिस तरह से दूसरी बार लगातार उत्तर प्रदेश पर काबिज हुए हैं, कहीं ना कहीं पहली बार ललितपुर में आ रहे हैं। और हम बता दें योगी आदित्यनाथ ललितपुर में 3 घंटे रहेंगे योगी आदित्यनाथ। तो इसको लेकर अगर हम बता दें कि जिलाधिकारी आलोक सिंह व पुलिस अधीक्षक निखिल पाठक की हम बता दें तो पूरी तरह से तैयारियां हैं और पूरी तरह से उसका आज वर्कआउट किया गया। क्यों न किया जाए, हम बता दें कि प्रदेश के मुखिया है जो कि योगी आदित्यनाथ का ललितपुर आ रहे हैं और ललितपुर की व्यवस्थाओं की बात करें तो पूरी तरह से चाक चौबंद हो गई है, क्योंकि योगी के तेवर हैं कि काफी तेज हैं। हम आपको बता दें कि 10:05 से 10:25 तक उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से कचरौंदा बांध पेयजल परियोजना जनपद ललितपुर, हम बता दें जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन परियोजना का धरातलीय निरीक्षण करेंगे। इसके बाद हम बता दें 10:25 पर प्रस्थान, हेलीपैड का चुनौना बांध पेयजल ललितपुर। तो वहीं इसके साथ हम बता दें कि 10:40 पर पुलिस लाइन पर योगी आदित्यनाथ उतरेंगे ललितपुर में। हम बता दें 10:40 पर योगी आदित्यनाथ रहेंगे ललितपुर में, हम बता दें। वहीं इसके बाद हम बता दें कि पुलिस लाइन सभागार में जाएंगे योगी आदित्यनाथ सीधे और जिला के आला अधिकारियों से लेंगे मीटिंग, विकास कार्यों पर करेंगे चर्चा। 10:45 से लेकर 11:15 तक जनप्रतिनिधियों से होगी भेंट। 11:15 से 12:15 तक होगा विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण, करेंगे विकास कार्यों का धरातलीय निरीक्षण। 1 घंटा, पूरे 1 घंटे का समय रखा गया है, हम बता दें। इससे कहीं ना कहीं अधिकारियों की नींद का उड़ना लाजमी है। 15 मिनट से 12:15 तक विकास कार्यों का होगा स्थलीय निरीक्षण। वहीं इसके बाद हम बताते चलें कि 12:15 पर मुरारी बापू द्वारा जो कथा ललितपुर में, हम बता दें कि मुरारी बापू द्वारा जो कथा ललितपुर में की जा रही है और ललितपुर का जो वातावरण पूरा धर्म है, मुरारी बापू द्वारा जो अमृत वाणी लोगों को दी जा रही है और ललितपुर की जो धारा को सिंचित किया जा रहा है, मुरारी बापू के कथा स्थल पर पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुखिया 12:15। 12:15 से 12:45 तक रहेंगे योगी आदित्यनाथ। हम बता दें कि मुरारी बापू की जो कथा आयोजित हो रही है उस स्थल पर। और इसके बाद हम बता दें कि 12:50 पर लगभग हम बता दें कि योगी आदित्यनाथ ललितपुर से करेंगे प्रस्थान। तो वहीं 3 घंटे का ये कार्यक्रम है पूरा, हम बता दें 3 घंटे का पूरा शो है प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का जो ललितपुर में कल होगा। और इस शो की अगर हम बात करें तो इसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की भी नींद उड़ी हुई है, क्योंकि हम बता दें कि योगी आदित्यनाथ के आने से विगत दिनों पहले जो जनपद में ललितपुर पुलिस का जो कारनामा रहा और ललितपुर पुलिस पर, हम बता दें ललितपुर पुलिस जो उत्तर प्रदेश में जो शर्मसार रही, वही हम बता दें पाली की घटना की बात करें तो कहीं ना कहीं नाबालिग के साथ जो दुष्कर्म का मामला था, हाई प्रोफाइल मामला बन गया था। इस बार हम बता दें प्रभारी व जो आरोपी थे, हालांकि सारे लोग जेल में जा चुके हैं, ना है इसमें प्रभारी पर कार्रवाई हुई, प्रभारी जो थाना प्रभारी थे उन पर भी कार्रवाई हुई और उनको भी जेल जाना पड़ा। देखना है कि योगी के आने पर कहीं ना कहीं पुलिस अपने इस जो ये घटना चक्र रहा इस पर, हम बता दें, अपनी पीठ कैसे थपथपाती है। फिलहाल
योगी आएंगे कल ललितपुर, क्या ललितपुर पुलिस पर रहेगी उनकी नजर, क्या ललितपुर पुलिस अपने आप को योगी की नजरों में कैसा साबित कर सकती है, ये तो कल बताएगा। लेकिन कहीं मत जाइएगा, योगी की 3 घंटे की कल रहेगी पूरी पिक्चर ललितपुर में, और ललितपुर में क्या कुछ करते हैं, किस पर गाज गिरती है, या ललितपुर के अधिकारियों की पीठ थपथपाई जाती है, इस पर रहेगी नजर। फिलहाल योगी कल देंगे ललितपुर में काल दस्तक, इससे बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, योगी आदित्यनाथ कल ललितपुर में होंगे।